महाराष्ट्र में बुधवार को विधानसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान किए जा रहे हैं। राज्य के 36 जिलों की सभी 288 विधानसभा सीटों पर सुबह से ही वोटिंग हो रही है। दोपहर 1 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार बात करें तो सभी जिलों में कुल 32.18% मतदान दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र चुनाव में 9.70 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र हैं। इनमें से 5 करोड़ पुरुष, 4 करोड़ से भी ज्यादा महिलाएं और 6101 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। तो वहीं 2019 में महाराष्ट्र में कुल 61.44% वोटिंग दर्ज की गई थी। बुधवार को मतदान खत्म होने के साथ ही इस चुनाव में उतरे सभी 4136 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अभी तक कई दिग्गजों ने वोट डाल दिया है, जिसमें अब प्रियंका चतुर्वेदी का नाम भी शामिल है। वोट डालने के बाद प्रियंका चतुर्वेदी ने बातचीत के दौरान बताया कि उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों पर वोट किया है। उनका कहना है कि महाराष्ट्र के हित, विकास, प्रगति का मुद्दा था, जो हमारे उद्योगों को यहां से हटाकर गुजरात ले जाया जा रहा है उसका भी मुद्दा था। महाराष्ट्र के विकास, विश्वास और प्रगति को लेकर मैंने मतदान किया है। तो आइए आपको भी सुनाते हैं कि प्रियंका चतुर्वेदी ने अपने इस बयान में क्या कुछ कहा है। महाराष्ट्र के हित के मुद्दे थे, महाराष्ट्र के विकास के मुद्दे थे, महाराष्ट्र की प्रगति का मुद्दा था, जो बेरोजगारी फैली हुई है उसको खत्म करने का मुद्दा था, जो हमारी इंडस्ट्रीज यहां से हटाकर गुजरात ले जा रही है उसका मुद्दा था, जिस तरीके से पैसा बांटा जा रहा था, गुजरात से खोके आ रहे थे, दिल्ली से खोके आ रहे थे, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरा सोच थी। और ये सारी सोच जो महाराष्ट्र के विश्वास को लेकर, महाराष्ट्र के विकास को लेकर, महाराष्ट्र की प्रगति को लेकर ये वोट था, इसलिए ये वोट मशाल के लिए था। बताते चले कि महाराष्ट्र चुनाव की चर्चित चेहरों की बात करें तो उसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोली और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे शामिल हैं। पूर्व मंत्री नवाब मलिक, भाजपा से शिवसेना में आई शाइना एनसी, कृषि मंत्री धनंजय मुंडे, महाराष्ट्र सपा प्रमुख अबू आजमी और पूर्व मंत्री जयंत पाटिल भी। सियासी भाग्य का फैसला भी इस चुनाव में ही होगा। बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव में पिछली बार से 27.7% अधिक कुल 4136 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 2086 निर्दलीय दावेदार हैं। तो वहीं 2019 में जब मुकाबला भाजपा और शिवसेना और कांग्रेस एनसीपी गठबंधन के बीच था, तब कुल 3000 से भी ज्यादा उम्मीदवारों ने चुनाव में लड़ा था। इस बार पिछले 2 वर्षों में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के टूटने से राजनीतिक परिदृश्य काफी बदल चुका है। इस बार महाराष्ट्र में मुख्य मुकाबला महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच माना जा रहा है। चुनाव आयोग के आंकड़े के अनुसार बात करें तो सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में से भाजपा के सबसे ज्यादा 149 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। तो वहीं महायुति में शामिल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 81 उम्मीदवार और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व एनसीपी ने 59 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के 4 सीटों महागठबंधन में सहयोगी दलों के लिए भी छोड़ी है। इनमें केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की अगुवाई वाली रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने कालिना विधानसभा सीट से उम्मीदवार उतारा है। तो वहीं सूची में शामिल अन्य सहयोगी दलों में युवा स्वाभिमान पार्टी बडनेरा से, जन सुराज शक्ति पार्टी साहूवाड़ी से और राष्ट्रीय समाज पार्टी गंगाखेड़ से चुनाव मैदान में उतरी हैं। इसके अलावा भाजपा के कई चेहरे दूसरे दलों के चुनाव चिन्ह पर मैदान में हैं और जिनमें शाइना एनसी एक प्रमुख नाम बताई जा रही है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।